हेलो दोस्तों 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 कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक केस्कर में। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईमो। सो दोस्तों ईमो से क्या होता है कि आप उसमें अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के लिए बना लेते हैं, उसको कुछ दिन यूज़ करते हैं। सो दोस्तों यूज़ करने के बाद उसको या तो डिलीट कर देते हैं या तो लॉग इन आउट कर देते हैं। सो दोस्तों क्या होता है कुछ दिन के बाद में, 1 वीक या 1 मंथ के बाद में क्या होता है कि आपकी ज़रूरत पड़ जाती है। सो दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पर हमारा न्यू क्रिएट करना पड़ जाता है आईडी, ठीक है, वहाँ पर मेरा रिकवर जल्दी नहीं होता रहता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि आप पुराना से पुराना ईमो आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। सो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर सर्च कर लेना है ईमो। सो दोस्तों ईमो सर्च कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर दे रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा अपडेट आया। अपडेट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर अपडेट इसलिए आया है कि यहाँ पर मेरा पहले से यहाँ पर इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर अपडेट आया है। सो दोस्तों इसको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। सो दोस्तों आप में अगर डाउनलोड ना हो तो सो दोस्तों वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सो दोस्तों इसके बाद आपके आपके फ़ोन में आ जाना, ठीक है। फ़ोन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च कर लेना है ईमो। सो दोस्तों देखिए जैसे ही सर्च कीजिएगा सो दोस्तों यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर फ़ोन में यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा शो हो रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर शो हो जाएगा। सो दोस्तों इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक नंबर डाल देना है, वो नंबर डालना है जो आप पहले उसमें दे चुके थे। सो दोस्तों वही नंबर डालना है। सो दोस्तों आपके पास वो नंबर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब नंबर डालोगे सो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा कि OTP गिरेगा। सो दोस्तों आपके पास OTP जाएगा, OTP यहाँ पर डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर डाल दे रहा हूँ। सो दोस्तों नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास नंबर अवेलेबल होना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर डालने के बाद यहाँ पे OTP आया। सो दोस्तों OTP डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे फोन में पहले से सिम लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर ले लिया हुआ है। सो दोस्तों क्या देखिए यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। सो दोस्तों मेरा जितना भी आईडी था यहाँ पर रिकवर हो चुका है। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा जितना भी कंटेंट था यहाँ पर आकर के शो हो चुका है। सो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।